पार्ट टू टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया और इलेक्ट्रिक फील्ड से ट्रेंड को डिस्कस किया कि हमारे पास किस तरह से आती हैं। इसी तरह आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन एज अ ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमारे पास देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एक हमारे पास डायरेक्शन और दूसरी हमारे पास ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चार्ज है और ये उसका क्या है रीजन है, ये उसका फील्ड है। अब हम देख लेते हैं ये चार्ज इस फील्ड के अंदर अपनी फुली पावर लगाता है किसी भी दूसरे चार्ज पर। जैसे जैसे अब हम कोई सा भी हमारे पास दूसरा जो चार्ज है अगर हम उसको इससे दूर करते जाएँ तो इसकी जो फोर्स है उस पर वो कम होती जाएगी इस फील्ड से बाहर, जैसे जैसे वो चार्ज हम दूर लेते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास के हम क्या इस फील्ड को जो हमारे पास फील्ड जनरेट होता है उसको हम डॉट से शो करते हैं, नहीं हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास लाइन आ जाती हैं। अब हम हमारे पास जो लाइंस होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका जो फील्ड पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न है वो किस तरह का होगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज उसकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी। इसी तरह जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन हमारे पास इनवर्ड होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? अब हम इनको अलग अलग चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं तो अगर हम इनको इकट्ठे करें कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है अट्रैक्ट करता है। इसी तरह अब हम डिस्कस कर लें कि हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि दो मुख्तलिफ चार्जेस हैं, एक है नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अब हमने यहाँ पे बात की कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है इनवर्ड और इसकी क्या है आउटवर्ड। जब हम इन दोनों को अब करीब लाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से आती हैं। तो जो पॉजिटिव, अब हमने हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज की तरह। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो लाइन्स हैं वो जा रही हैं कहाँ को जा रही हैं नेगेटिव, यानी कि उनकी जो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ड है और ये आउटवर्ड जा रही हैं नेगेटिव की तरफ। इसी तरह हमारे पास अगर दो लाइक चार्जेस हैं तो इनको कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो इनको कहीं भी जाने की कोई स्पेस नहीं मिल रही कि कहीं वो इनवर्ड जाए। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है आउटवर्ड, और दरमियान में जो हमारे पास स्पेस शो कर रही है इसका मतलब यहाँ पर कोई फील्ड जनरेट नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारे पास ज़ीरो फील्ड आएगा या हम कहते हैं ये न्यूट्रल जोन है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी फील्ड जनरेट नहीं हो रहा, यहाँ पे हमारे पास शो करता है कि यहाँ पे फील्ड जो है वो हमारे पास ज़ीरो फील्ड है और यहाँ पे जो लाइंस है वो क्या हो जाती हैं कर्व्ड हो जाती हैं, यानी कि कोई भी फील्ड जनरेट नहीं करती। अब हम इनके इसमें हमारे पास इसके करीब कोई भी हम एक परपेंडिकुलर रख देते हैं, कोई सा भी पेज या कोई भी शीट हम रख देते हैं और हम देखते हैं हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास कर रही हैं। अब हमने देखना है कि जो जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ लाइन जो है वो इस परपेंडिकुलर में से पास करेगी। द नंबर ऑफ लाइन्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ लाइन्स जो हैं वो गुजर रही हैं वो हमारे पास प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ से पास करेंगी। इसमें हो सकता है हमारे पास ये जो स्ट्रेंथ है हमारे पास वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वहाँ पे कितनी उसकी आ रही है। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास अपोजिट चार्जेस हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं और यहाँ पर एक लूप सा बन रहा है कि पॉजिटिव की तरफ, यानी कि पॉजिटिव बाहर की तरफ और जो नेगेटिव है उनकी डायरेक्शन इनवर्ड है और इनकी क्या है आउटवर्ड। इसी तरह हमने देखा कि हमारे पास कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर में दो प्लेट्स लगी होती हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है, तो
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है। अब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसकी पॉजिटिव प्लेट पे और नेगेटिव टर्मिनल इसकी नेगेटिव प्लेट पे, तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्जेज हैं वो स्टोर हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास चार्जेस है वो स्टोर हो रहा है। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की भी हैं कि वो किस तरह है। अगर तो हमारे पास दो लाइन्स जो है ना वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन रखता है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। उसके बाद हमारे पास ये है कि जितनी लाइंस हमारे पास क्लोज होंगी फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, जितनी लाइंस दूर होंगी फील्ड उतना ही वीक होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।